सब्सक्राइब करें सुभाष टेक यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष टेक। तो आज की वीडियो है, जैसा कि आप लोग का यूट्यूब अगर स्लो चलता है तो आपके यूट्यूब में जो कि सर्च हिस्ट्री जो कि आपके मतलब वायरस की तरफ उसमें भर गया, जो कि सर्च हिस्ट्री भर गया, तो उसको आपको क्लियर करना होगा, तब आपका YouTube जो कि एकदम रॉकेट की तरह एकदम फास्ट चलने लगेगा। तो आपको कैसे करना है, आपको सर्च हिस्ट्री कैसे आपको बंद करना है, क्लियर कैसे करना है, तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको सर्च हिस्ट्री कैसे क्लियर करना है आपका। उसके बाद सर्च हिस्ट्री क्लियर करने के बाद आपका जो YouTube होगा वो बिल्कुल एकदम टच करने के बाद, जैसे कि वीडियो जिस वीडियो पर क्लिक करेंगे वो वीडियो क्लिक करते ही आपको ये कैसे करना है। तो आपको करने के लिए आपको सबसे पहले चलना होगा, आपको सेटिंग में चलना है, जैसा कि आपको सेटिंग फ़ोन का जो सेटिंग होगा तो आपको सेटिंग ओपन करना है। तो मैं सेटिंग ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे देखते रहिए, सेटिंग में आने के बाद देखिए इसके बाद आपको एमआई का फ़ोन है तो इसमें कुछ इस तरह आ रहा है। अगर आपका अगर एमआई के अलावा और कोई फ़ोन होगा तो उसमें और किस कोई तरह का मतलब इस तरह फंक्शन होगा तो आप देख सकते हैं। आपको जितना भी जो भी ऐप जो रहता है तो आपको उस ऐप्स वाले में जाना है। तो देखिए मैं इस वाले में जाना है जो है कि ये ऐप्स, तो इस वाले पर क्लिक करना है आपको, तो जो भी ऐप वाला होगा तो उसमें क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ मैनेज ऐप वाले पे क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे ये वाला। तो आपको उस वाले पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी आपका फ़ोन ऐप्स होगा आपके फ़ोन में जितने भी, तो वो सारे खुल जाएंगे। तो आपको इसमें YouTube खोजना है, YouTube आपके किधर है, तो आपको यहाँ पे YouTube खोज लेना है। तो देखिए यहाँ पे YouTube है। उसके बाद आपको YouTube पे क्लिक करना है। YouTube पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह खुलेगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे डेटा क्लियर डेटा वाले पे, नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरह, तो यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है क्लियर डेटा वाले पे। तो जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैची क्लियर वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे उस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ओके करने के लिए ऑप्शन खुलेगा, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद ओके करने के बाद आपको फिर बैक आ जाना है, पूरी तरह बैक आ जाना है आपके होम स्क्रीन पे। उसके बाद आपको YouTube ओपन करना है, तो मैं YouTube ओपन करेंगे। तो इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे हिस्टोरी पे जाना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ऊपर में हिस्टोरी लिखा हुआ, तो इस वाले पे आपको फाइल यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह खुलेगा, आपको इस तरह खुलेगा। तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री कंट्रोल पे जाना है, इस वाले पे जाना है। तो उस वाले फाइल में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्लियर वॉच हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर में, देखिए यहाँ पे लिखता हुआ क्लियर वॉच हिस्ट्री। तो आप क्लियर वॉच हिस्ट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके करने के बाद कुछ इस तरह खुल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लियर वॉच हिस्ट्री कर देना है, इसको क्लियर कर देना है। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आपको फिर उसी तरह आपको नीचे वाले ऑप्शन जो है क्लियर सर्च हिस्ट्री को क्लियर करना, जैसे कि जो सर्च करते हैं लिखते हैं तो वो हिस्ट्री आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह क्लियर सर्च हिस्ट्री को कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा ये वाला ऑन कर देते, तो मैं इसको ऑन ऑफ करना है, तो फ्यूज इसको ऑन कर देंगे यहाँ पे, इसको देखिए ऑन कर देंगे इस तरह। उसके बाद आपको नीचे वाला भी है, इसको भी आपको ऑन कर देंगे, क्लिक करेंगे उस पर और इसको ऑन इनेबल कर देंगे, ये हो गया कुछ इस तरह। तो आपको देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो सर्च हिस्ट्री वॉच हिस्ट्री जो था, अब जो जितना भी आप सर्च करेंगे या किसी वीडियो को वॉच करेंगे देखेंगे तो उसका हिस्ट्री तैयार नहीं होगा। हिस्ट्री तैयार होने के कारण जो यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब में आपको जो मतलब बहुत सारा ऐसा मतलब भर जाता है, तो इस कारण आपका यूट्यूब जो होता है स्लो हो जाता है। तो अब जो आपका यूट्यूब होगा बिल्कुल एकदम स्पीड चलेगा, तो आप ज़रूर आप एक बार चेक कर सकते हैं। आपको अगर फ्रॉड लगता है तो आप अपने YouTube में एक बार ज़रूर चेक करके देखें, बिल्कुल आपका ये ट्रिक काम करेगा। क्योंकि ये सर्च हिस्ट्री जो होता है, इस कारण आपका जो YouTube होता है प्ले करने के बाद किसी वीडियो में प्ले करने के बाद वो मतलब कि स्लो चलने लगता है। तो यही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।